पुराने जमाने के अंदर शिक्षा का जो स्थान हुआ करता था, गुरुकुल हुआ करता था, जहाँ गुरुओं के सानिध्य में अपने छात्र छात्राओं को शिक्षा पद्धति बताई जाती थी, और उसी शिक्षा पद्धति से आपको बता दें कि भारत का नवनिर्माण हुआ। लेकिन अब वर्तमान की अगर बात की जाए तो वर्तमान समय के अंदर शिक्षा पद्धति एक अलग तरीके से पेश की जाती है। आपको बता दें कि शिक्षा पद्धति की अगर बात की जाए तो इन शिक्षा पद्धतियों के अंदर कहीं ना कहीं थ्योरिकल ज्ञान पर फोकस ना देकर कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल ज्ञान पर फोकस नहीं दिया जाता है, जबकि थ्योरिकल ज्ञान पर फोकस ज़्यादा दिया जाता है। आज के ज़माने के अंदर मानव जीवन की अगर बात की जाए तो शिक्षा की बात की जाए तो हर एक विद्यार्थी आज के समय के अंदर केवल सुनना जानता है, पढ़ना और लिखना नहीं जान पाता है। लेकिन श्याम आदर्श शिक्षा समिति एक ऐसी विद्यालय है जहाँ पर बुद्धिजीवी लोगों के साथ साथ में संस्कार जहाँ दिए जाते हैं, शिक्षा की ऐसी पद्धति यहाँ अपनाई गई है जहाँ बचपन के अंदर जब भी बच्चा जब स्कूल के अंदर प्रवेश लेता है तो संस्कारों के साथ साथ खेलकूद, जुड़े कराटे और शिक्षा के कई प्रकार के संस्कारों की पद्धति भी श्याम आदर्श शिक्षा समिति में दी जाती है। श्याम आदर्श शिक्षा समिति राजपुरा अलवर जिले में एक अद्भुत मिसाल पेश कर रही है। विद्यालय में छात्र छात्राओं की सर्वांगीण विकास के हेतु सफल प्रयास किया जा रहा है। विद्यालय में जूडो कराटे, खेलकूद, डिजिटल शिक्षा, सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का समय समय पर आयोजन करके छात्रों का सर्वांगीण विकास किया जाता है। जूडो कराटे में इस विद्यालय के छात्र विशेष स्तर पर अपना लोहा मना रहे हैं। प्रिंसिपल बलवीर सिंह शेखावत और डायरेक्टर बजवंत सिंह का कहना है कि हमारा उद्देश्य धन उपार्जन न होकर सामाजिक सेवा और शिक्षा के प्रति जागरूकता फैलाना है। विद्यालय की शुरुआत प्रार्थना सभा में मंत्रोच्चार के साथ में सरस्वती वंदना आदि गतिविधियों से होती है, जिससे छात्र अपनी संस्कृति की महत्वता के बारे में जागरूक होते हैं। विद्यालय स्टाफ में सतीश शर्मा, प्रकाश जाट, विमल तिवारी, पप्पूराम स्वामी, कृष्ण सिंह, कोमल सिंह, अनिता कंवर, खामोशी देवी, ज्योति कंवर, मीना जागीर, मुकेश देवी, परमानंद जी, बलवीर सैनी, झांडूराम जी और जूडो कराटे के शिक्षक सोमवीर सिंह तंवर अपना दायित्व बखूबी निभा रहे हैं। यहाँ के श्री श्याम आदर्श शिक्षा समिति के संचालक बलवीर सिंह जी शेखावत जी के पास, सर नमस्कार। जो आप ये अच्छी शिक्षा दीक्षा दे रहे हैं और बच्चों का सर्वांगीण विकास कर रहे हैं, तो आप किन किन गतिविधियों को संचालित करने चाहते हैं और आपके बच्चे किस पायदान तक पहुँचें और देश को किस प्रकार से रक्षा, सुरक्षा और शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाएँ, वो पूरा बताने की कोशिश करें। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहूँगा मैं, और हम चाहते हैं कि देखो बच्चों का सर्वांगीण विकास हो। बच्चा जैसे ही यहाँ पर एंट्री करता है उसके बाद में बच्चे का व्यवहार है, बच्चे की कार्यशैली है, बच्चे का हर प्रकार से किस प्रकार उसका उसके लेखन शैली है, उसके बोलने की क्षमता है, उसका व्यवहार है, पाठ्य पुस्तक के प्रति कैसे किस प्रकार उसकी रुचि है और कौन कौन से क्षेत्र में उसकी रुचि है, उसके रुचि के हिसाब से हम बच्चे का डेवलप करते हैं और उसकी जो स्किल है उसमें निखार लाते हैं। मान लीजिए कोई बच्चा स्पोर्ट्स में है तो हम उस बच्चे को स्पोर्ट्स में आगे बढ़ाते हैं। हमारे यहाँ पर ताइक्वांडो, जूडो, कराटे, मार्शल आर्ट वगैरह ये चलता है, और जो बच्चा इंटरेस्टेड होता है, आपको पता है कि गाँव में खाने पीने की और ये सुविधाएँ होती हैं और यहाँ के बच्चे हट्टे कट्टे होते हैं, खाने पीने की कोई समस्या होती नहीं है, उच्छृंखल प्रवृत्ति के होते हैं, तो हम उनको स्पोर्ट्स में डालते हैं, वो कठिन मेहनत करते हैं और आगे बढ़ते हैं। हम तो केवल उनको एक दिशा प्रदान करते हैं, बाकी सपोर्ट उनके माता पिता का और उनकी खुद की मेहनत होती है। इसके अलावा संगीत के क्षेत्र में भी जो बच्चा आगे होता है, हम जोधपुर गो टैलेंट शो से जुड़े हुए हैं, राजस्थान में ये शो होते रहते हैं हर साल, तो हम चाहते हैं कि यहाँ से जो प्रतिभाएं संगीत के, इसके लिए हम बच्चों में संस्कार डालते हैं, इसके लिए वेद, पुराण और भारतीय संस्कृति के जो भी हैं, रामायण, महाभारत, गीता आदि सभी का हम ज्ञान करवाते हैं, पौराणिक कथाएं कहते हैं, उपदेशात्मक कहानियां बताते हैं, और भारतीय संस्कृति का हास ना हो, भारतीय संस्कृति किस तरह से बनी रहे इसके लिए हम प्रयासरत रहते हैं, क्योंकि ये जो बच्चे हैं ये भावी भारत के निर्माता हैं, और ये अगर मजबूत होंगे, इनमें भारतीय संस्कृति इनके रग रग में बसी होगी, तो आने वाली पीढ़ी को भी ये भारतीय संस्कृति के बारे में बता सकेंगे और उससे सरोबार रहेंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद सर। विशेष मैं चैनल ऐड से कहना चाहूँगा, इसी शाला संस्थान से निकल कर के बच्चे जूडो कराटो में विश्व स्तर पर अपनी पहचान बना चुके हैं। आवाज़ न्यूज चैनल के लिए भारत कुमार शर्मा की रिपोर्ट, अलवर। कक्ष में यहाँ पर हर प्रकार की पुस्तक आपको देखने को मिल जाएगी। कुछ बच्चों की रुचि खेलने में होती है रेस्ट पीरियड में, लेकिन कुछ अधिकतर बच्चे लाइब्रेरी में आकर के धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक इस प्रकार की पुस्तकों का भी अध्ययन कर रहते हैं। ये लाइब्रेरी अपने आप में एक अद्भुत प्रेरणा स्रोत है। एक प्राइवेट संस्था और संस्थान के लिए स्कूल के माध्यम से ये अच्छी शिक्षा के साथ साथ अच्छा साहित्य भी रखते हैं, जिसमें विशेष रूप से गायत्री शक्तिपीठ द्वारा, दिव्य ज्योति संस्थान द्वारा जो पुस्तकें आती हैं उनका भी पठन। पहुँचे हैं श्याम आदर्श विद्या मंदिर के कार्यालय में, जहाँ पर हमारे शिक्षक महोदय कपूर जी स्वामी जी बैठे हुए हैं। मैं इन्हीं से जानना चाहूँगा सर, आज मैं प्रातःकाल से देख रहा था, जब बच्चा प्रवेश करता है तो सर्वप्रथम मंगल तिलक लगा कराया जाता है और संस्कृत की ऋचाओं के अनुसार उनको प्रार्थना स्थल पर किया जाता है। तो ये शिक्षा दीक्षा दे करके आप अपने को कितना गौरवान्वित महसूस करते हैं सर? सर, मैं पप्पू राम स्वामी श्री श्याम आदर्श विद्या मंदिर का एक अध्यापक हूँ। हमारे विद्यालय में केवल शिक्षा ही नहीं, हमारे विद्यालय में संस्कार भी दिए जाते हैं। शिक्षा के साथ साथ हम संस्कार भी बच्चे में डालते हैं, जिसमें हम पूरा स्टाफ, मैं प्रिंसिपल के, पूरी तरह तिलक लगाते हैं सुबह पहले और तिलक का महत्व बताते हैं। हमारे विद्यालय में हर प्रकार से बच्चे का डेवलपमेंट किया जाता है, उसमें संस्कार डाले जाते हैं। बगैर संस्कार के ये शिक्षा अधूरी रहती है। इस कारण से हम भारतीय संस्कार परिपूर्ण बच्चे में डालने की कोशिश करते हैं, हर तरह से बच्चे का विकास हो। एक विशेष बात मैं कहना चाहूँगा, कैमरा मैन से जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं प्रत्येक कमरे में, उसमें जूम डाल के दिखाए स्क्रीन के ऊपर, इस शाला भवन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि प्रत्येक अध्यापक पर और बच्चों पर हरित राजस्थान और हमारे प्रशासनिक अधिकारियों के आदेश अनुसार राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय श्याम आदर्श राजपुरा के स्टाफ द्वारा तुलसी दल का पौधा लगाया गया है। समय समय पर ये पेड़ पौधे भी लगाते हैं। तो मैं इन्हीं से जानना चाहूँगा सर, नमस्कार। आज जो आपके शाला प्रांगण में प्रार्थना स्थल पर जो ऋग्वेद की ऋचाओं के साथ प्रार्थना की गई और आप हरित राजस्थान के तहत तुलसी का पौधा रोपण भी कर रहे हैं, तो आप इस विषय में जो सामाजिक संस्कार, धार्मिक संस्कार, शिक्षा के साथ साथ दे रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए सर, आजकल क्या है कि हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति का प्राय है, ये भारतीय संस्कृति विलुप्त होती जा रही है शिक्षा विभाग में, और यहाँ कहीं बस केवल टेक्स्ट बुक पर ध्यान देते हैं और संस्कार कहीं ना कहीं संस्कारों का लोप हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि पाठ्य पुस्तक के अलावा जो हमारे करिकुलम में शामिल हैं, हमारे संस्कार हैं, हमारा व्यवहार है, ये कुशल हों और भारतीय संस्कृति इन बच्चों में झलके। यहाँ पर हम ये सब एक्टिविटीज़ करवाएंगे, उनको पता चलेगा वेदों के बारे में, पुराणों के बारे में, पूर्वजों के बारे में, तभी तो वो उस चीज़ को अपनाएंगे, वो संस्कार होंगे, वो उनके जहन में होगा, उनके रक्त में होगा, तभी ये सब हो पाएगा। नहीं तो बस केवल आंकिक आधार पर ये होगा कि 90 बन गई, 95 बन गई और संस्कार कुछ नहीं है, तो कहीं ना कहीं हम विलुप्त होते जाएंगे। हमारी भारतीय संस्कृति जो है वो बिल्कुल एक कगार पर है और हमें उसको पुनर्जीवित कर। अब मैं छात्रा से ही जानना चाहूँगा, बेटा जो पहले असुविधा होती थी बैठने में, आज यहाँ को शाला संस्थान की तरफ से गद्य उपलब्ध कराए गए हैं, तो आपको अच्छा महसूस होता है? हाँ। इसके अलावा भी कुछ और अपने अध्यापकों से कहना चाहेंगे बेटा?